तो अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको कैंडलस्टिक की वर्किंग का पता लगाना बिल्कुल ही जरूरी है, और आज के वीडियो में हम यही कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में तो हमने कवर कर लिया था कि आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारा यह ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। पर आज के वीडियो में हम देख लेंगे कि कैंडलस्टिक काम कैसे करती है। तो कैंडलस्टिक कुछ नहीं, आपको प्राइस बताती है कि वो प्राइस उस समय कितनी होगी। जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ जो कैंडलस्टिक है, मान लीजिए हमने ये कैंडलस्टिक सिलेक्ट कर ली, हम इस कैंडलस्टिक पर देखेंगे कि आपको बता क्या रही है और कैसे बनती है। तो अगर आप इस कैंडलस्टिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको तीन चीजें मिल रही होगी। पहले आप देख सकते हैं ये 25 अप्रैल 2022 की कैंडलस्टिक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम। तो जैसे अगर आपने ये डे सिलेक्ट कर रखा है तो ये जो कैंडलस्टिक है ये आपको पूरे डे का प्राइस बताएगी। वैसे ही अगर आप सिर्फ 5 मिनट सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जो कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक आपको यह बताएगा कि 5 मिनट में जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा अप हुई या कितनी ज्यादा डाउन हुई। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक काम कैसे करती है। तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी शेयर ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक शेयर ले लेते हैं और इसकी जो प्राइस है, हम 10 बजे से 11 बजे तक की जो प्राइस की कैंडल है हम उसे चार्ट पर ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए हम इसे चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम ले लेते हैं 10 से 10-15, दूसरा हम ले लेंगे 10-15 से 10.5, तीसरा हम ले लेते हैं 10.5 से 10.45, और जो चौथा हमारा हो जाएगा वो हम मान लीजिए 11 बजे तक। तो कुछ इस प्रकार के हमने चार टाइम ले लिए कि हम इस चार टाइम पर, अब मान लीजिए जो हमारा पहली प्राइस थी, जो 10 बजे से 10:50 तक हमारी प्राइस है, हम हमारे स्टॉक की प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये थी। और उसके बाद हम क्या, हम अगला एग्जांपल ये मान लेते हैं कि 10:15 से 10:30 के बीच में वो जो स्टॉक था थोड़ा गिर गया, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 95 हो गई। और उसके बाद जब 10:30 हुई, और जब 10:30 से 10:45 था, तो हम जो प्राइस है, प्राइस एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 110 रुपये हुई। और जब हमारी प्राइस थी 11 बजे, हम 11 बजे यह मान लेते हैं जो प्राइस थी 105 हुई। तो अब यह जो चार प्राइस है इसे कैंडलस्टिक पर कैसे बनाएंगे। तो जो हमारी पहली प्राइस थी, इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ से हमारी प्राइस चालू हुई। और जो हमारी लास्ट प्राइस होगी, जहाँ हमारी आखिरी प्राइस होगी, उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारी लास्ट प्राइस है इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग प्राइस। और ये हमारी जो बीच की दो प्राइस होगी, इसमें या तो हमारा हाई होगा या लो होगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी एक हम अब चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया, और यहाँ मान लीजिए 10, 20, 30, ऐसा ही हम यहाँ मान लेते हैं 80, 85, 90, 95 और 100। तो यह जो हमारी स्केल है, यहाँ पर हमारी प्राइस आएगा, जितनी भी प्राइस होगी वो हमारी यहाँ प्राइस आएगी, और यहाँ पर जो होगा वो हमारा टाइम होगा। तो यहाँ हमारी प्राइस आ गई। तो अब हम कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक कैसे बनाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पे कैंडलस्टिक कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 10:15 से 10:30 के बीच में जो हमारी प्राइस थी वो थी 100 रुपये। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी 100 रुपये। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्राइस थी वो प्राइस नीचे गिर गई 95 पे। तो हम यहाँ एक डॉट ड्रॉ कर लेते हैं 95 का, ये हम मान लीजिए ये हमारी है ओपनिंग प्राइस। और जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट होगा, जैसे कि अब इन चारों प्राइस में आप देख सकते हैं लोवेस्ट क्या है, 95 है। तो ये जो हमारा कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट होगा यही लो होगा। तो ये हमारा कितना है, 95 था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी प्राइस है, प्राइस बढ़ के 110 पे गई। तो हम मान लीजिए ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो भी इन चारों प्राइस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो हमारी हाईएस्ट प्राइस होगी। आप देख सकते हैं 110 है, तो यहाँ पे हमने जो डॉट करा वो हो गई हमारी हाईएस्ट प्राइस, तो उसे हम लिख देंगे एच। और जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 105 है। जो हमारी लास्ट प्राइस होगी वो हमारी क्लोजिंग प्राइस होगी। तो क्लोजिंग प्राइस पर हम फिर लाइन ऐसी एक वर्टिकल खींच देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पर एक लाइन ड्रॉ करी। तो अब इन्हें आप बॉक्स में पैक कर दीजिए। तो ये तो हो गई आपकी कैंडलस्टिक। और यहाँ जो आपके दो पॉइंट थे, ये लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट, तो इसे आप सिंगल लाइन से क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो ओपनिंग प्राइस और ये जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी, ये आपकी कैंडलस्टिक बन जाएगी। इसे आप कैंडलस्टिक की बॉडी बोलते हैं। जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग के प्राइस के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, ये आपकी बॉडी हो जाएगी। जो हमारी ओपनिंग प्राइस थी वो क्या थी, हमारी 100 रुपये थी। और जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी, जो हमारी लास्ट प्राइस थी, वो हमारी क्लोजिंग हो गई, वो क्या हो गई हमारी 105। और जो हमारा लो था, लोएस्ट पॉइंट क्या था हमारा, 95 था। तो ये जो प्राइस हो गई 95 हो गई। और हमारा हाइएस्ट पॉइंट क्या हो गया, हमारा हाइएस्ट पॉइंट हो गया यहाँ 110। और यहाँ पर आप ये जो ऊपर ये जो लाइन देख सकते हैं, ये ऊपर भी लाइन है और ये जो नीचे भी लाइन है, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, विक कहते हैं।
और जब भी आप देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस 100 है और क्लोजिंग प्राइस उससे ज़्यादा है, तो वो कैंडल स्टिक क्या रहेगी, वो ग्रीन कलर की रहेगी, क्योंकि वहाँ हमारी प्राइस बढ़ी है। यहाँ आप देख सकते हैं 100 से प्राइस 105 चले गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक हुआ वो पॉजिटिव में +5 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ कैंडल स्टिक का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जब भी बुलिश कैंडल स्टिक रहेगी उसकी जो ओपनिंग प्राइस रहेगी वो कम रहेगी और जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए 100 और 105 समझ सकते हैं, और वैसे ही अगर आप यह भी मान सकते थे, जैसे मान लीजिए अगर हमारी एग्जाम्पल के लिए ओपनिंग प्राइस 90 रहती और जो हमारी क्लोजिंग प्राइस रहती वो 91 भी रहती, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ओपनिंग प्राइस कम है और क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है। तो जब भी प्राइस है अगर वो बढ़ेगी तो कैंडल स्टिक का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो आप ग्रीन कलर से समझ सकते हैं उस कैंडल स्टिक की प्राइस है वो इजीली बढ़ गई है, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितना भी वैल्यू रहेगा ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी है बॉडी। और इसके बीच में जो ओपनिंग से जो लोवेस्ट पॉइंट के बीच का रहेगा वो आपकी वीक हो जाएगी, और सेम क्लोजिंग से हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जितना भी एरिया रहेगा वो आपका क्लोजिंग हो जाएगा। अब चलिए एक हम रेड कैंडल से भी समझ लेते हैं कि अगर आपकी सेलिंग की कैंडल हो रेड कलर की कैंडल वो कैसे बनेगी, उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम फिर से वही ले लेते हैं, जल्दी लिख देता हूँ मैं, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ हमारा 10:15 था, फिर हमारा 10:30 था, ये हमारा यहाँ हमारा टाइम रहेगा और यहाँ हमारी प्राइस रहेगी। तो हम जल्दी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, हम एक 10:45 भी समझ लेते हैं और ये हमारा एक 11 हो गया। एक हम सेलिंग की कैंडल समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्राइस ओपन हुई 100 रुपये पे, 100 पे ओपन हुई और 10:30 बजे मान लीजिए उसकी प्राइस बढ़ी और वो कितने पे हो गई, 110 पे। पर फिर ऐसा हुआ 10:45 पे उसकी प्राइस गिरी और वो कम होके कितनी हो गई, 90 हो गई, 90 हो गई। और उसके बाद जो 11 बजे है, 11 बजे उसकी प्राइस मान लीजिए थोड़ा सेटल हुई और वो कितनी हो गई, 95 हो गई। अब इसमें दो चीज़ें सेम है, जो हमारी पहली प्राइस रहेगी वो आपकी क्या रहेगी हमेशा, ये आपकी ओपनिंग प्राइस रहेगी, और जो आपकी लास्ट प्राइस है वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस रहेगी। आप समझ ही गए होंगे, ये आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग तो आप समझ गए होंगे। अभी ये जो 10:30 की जो वैल्यू है 110 रुपये, ये आप देख सकते हैं इन सब वैल्यू की हाईएस्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, हाई हो गया कैंडल स्टिक का। और जो भी आपकी लोवेस्ट प्राइस है जैसे आप देख सकते हैं 90 रुपये है, तो ये आपका लो हो गया। अब चलिए हम मान लीजिए इसे कैंडल स्टिक पर ड्रॉ करते हैं। पहले हम ओपनिंग प्राइस है उसे लाइन से ड्रॉ करते हैं। ओपनिंग प्राइस मैंने आपको बताया कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ना, ये हो गई हमारी ओपनिंग प्राइस। अब इसकी प्राइस कितनी है, 100 है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस थोड़ी और बढ़ी तो 100 के ऊपर ही 110 आएगा, तो यहाँ जो डॉट है ये हमारा क्या हो गया, 110 हो गया। तो यह क्या हो गया, हमारा इस कैंडल स्टिक का हाईएस्ट पॉइंट है, और इसकी प्राइस कितनी है, 110 रुपये इसकी प्राइस है और इसकी 100 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अगली वैल्यू कितनी हुई, 90 हुई, तो 90 आप देख सकते हैं 100 के नीचे लगभग यहाँ पर होगा, तो ये हमारा क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है, लो, जो कितना है, 90 रुपये। और उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस होगी, क्लोजिंग प्राइस फिर हम लाइन से डिनोट करेंगे, जो आप देख सकते हैं 95 है, वो 90 के लगभग ऊपर होगा, यहाँ होगा, तो हम यहाँ आ गया, ये हमारी क्या हो गई, क्लोजिंग प्राइस। अब यह जो हमारी कैंडल स्टिक है यह रेड कलर की होगी, वो भी क्यों होगी हम अभी बताते हैं। मैं पहले रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ इसे डब्बे को क्लोज कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग प्राइस थी 100 थी और जो कैंडल स्टिक की क्लोजिंग प्राइस थी वो आपकी कितनी हुई कि 90 हो गई। तो अब हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी ओपनिंग प्राइस थी वो 100 थी और जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी वो हमारी क्या हो गई, 90 हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो प्राइस है कैंडल स्टिक की वो कम हो गई, मतलब स्टॉक गिरा है। तो हम जो स्टॉक गिरा है उसमें कैंडल स्टिक का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और हम हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है इन्हें भी जोड़ लेते हैं। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो भी यह आएगा इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया, इस एरिया को हम बॉडी बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग के और हाई के बीच में ये जो लाइन रहेगी इसे हम क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। और ये जो क्लोजिंग और लो के बीच में जो लाइन रहेगी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे भी हम वीक बोलते हैं। और ये हमारे कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। और इसे हमने रेड कलर से क्यों डिनोट करा, क्योंकि इसकी प्राइस है, प्राइस गिरी है। हमारा स्टॉक शुरू हुआ था 100 पे और बंद हुआ 90 पे, प्राइस गिरी है, तो उसे हमने रेड कलर से डिनोट करा था। और सेम इसका अपोजिट हमने ग्रीन कलर में करा था, अगर प्राइस बढ़ेगी तो ग्रीन कलर में करेंगे। अब हम चलिए हम चार्ट पर समझ लेते हैं कि चार्ट पर ये कैंडल स्टिक है ये कैसे काम करती है। मैंने आपको थ्योरी तो बता दी है, अब चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम इस कैंडल का एग्जांपल ले लें, किसी भी दो तीन कैंडल का एग्जांपल ले लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब आप यहाँ इस कैंडल स्टिक को देख सकते हैं। इस कैंडल स्टिक का कलर क्या है, ग्रीन कलर है, मतलब इसमें प्राइस बढ़ी होगी। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था ओपनिंग लो हाई और क्लोजिंग वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो जैसे ही आप इस कैंडल स्टिक है, जैसे ही आप इस कैंडल स्टिक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ओपनिंग हाई और लो इन सब की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। आपको यहाँ पर इन सारी वैल्यू मिल रही होगी। ओ का मतलब क्या है,
ओपनिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं एच आ गया, एच का मतलब क्या है, हाई प्राइस। और उसके बाद हमारा क्या है, एल है, एल का मतलब क्या है, लो। सी का मतलब क्या है, क्लोजिंग है। तो चलिए अब हम इसे कैंडलस्टिक से समझ लेते हैं। जैसे हमने इस कैंडलस्टिक की ही प्राइस निकाली, तो अब मैंने आपको बताया था ये आपकी क्या हो गई, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो यहाँ आपकी ओपनिंग प्राइस होगी और यहाँ आपकी क्लोजिंग प्राइस होगी, क्योंकि प्राइस बड़ी है तो ओपनिंग प्राइस कम होगी और क्लोजिंग ज़्यादा होगी, और हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट तो सेम ही रहेगा, बस ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस चेंज होगी। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया। अब जैसे आप ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं, यहाँ ओपनिंग प्राइस कितनी है, 403 रुपये है। तो यहाँ जो इस कैंडलस्टिक की प्राइस है वो 403 हो गई। और फिर हमारी जो हाईएस्ट प्राइस थी, हाईएस्ट प्राइस आपकी क्या है, 403 रुपये 75 पैसे। तो आपकी यह जो प्राइस हो गई ये कितनी हो गई, 403 रुपये 75 पैसे। और वहीं आप लोवेस्ट प्राइस देख सकते हैं, वो हमारी कितनी थी, 402 रुपये 70 पैसे। तो यहाँ इसकी प्राइस कितनी होगी, 402 रुपये 70 पैसे। और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमारी कितनी हुई, 403 रुपये 35 पैसे पे। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं आपकी ओपनिंग प्राइस 403 रुपये थी और आपकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 403 रुपये 25 पैसे या 30 पैसे थी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं ये जो कैंडलस्टिक है इसका कलर ग्रीन है और जो प्राइस में चेंजेस है वो किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यह जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है ये रियल चार्ट में कैसे काम करती है। तो चलिए अब हम एक रेड कैंडलस्टिक भी समझ लेते हैं। तो यहाँ इस कैंडलस्टिक को लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखने मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट प्राइस और जो ओपनिंग प्राइस है वो भी सेम है, जो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा 401 रुपये 10 पैसे, और जो इसका हाईएस्ट प्राइस है वो भी 401 रुपये 10 पैसे है। तो आप यहां देख सकते हैं कि अपसाइड में कोई विक नहीं है। तो यही इसकी ओपनिंग प्राइस भी हो जाएगी और यही इस कैंडलस्टिक का हाई भी हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो लोवेस्ट प्राइस है यहां पे आपको विक खत्म हो गई। तो ये हमारी लोवेस्ट प्राइस हो गई और ये हमारी हो गई क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि ये जो रेड कैंडलस्टिक थी तो इसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी और इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो हमेशा कम होगी। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं 401 रुपये 10 पैसे थी और जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था वो हमारा क्या था, 399 रुपये 40 पैसे, और जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी वो आप देख सकते हैं 399 रुपये 70 पैसे है। तो यहाँ आप इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ओपनिंग प्राइस थी वो 401 रुपये है और जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी वो 399 रुपये 70 पैसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्राइस है प्राइस कम हुई, इसलिए कैंडलस्टिक का कलर है वो भी रेड हो गया। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियो बनाने में। जैसे मान लीजिए हम एक लाइव कैंडलस्टिक है उसे भी ले लेते हैं। जैसे आप आज की कैंडलस्टिक देख सकते हैं, ये अभी ही बनी, तो इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आप चार्ट एडवांस तरीके से चलाना नहीं सीखा तो शायद आपने पुराना वीडियो है उसे मिस कर दिया होगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, तो आप इस ट्रेडिंग व्यू चार्ट को एकदम एक्सपर्ट की तरह यूज़ करने लगेंगे। तो हम इस लाइव कैंडलस्टिक पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, यह जो आपका वीक है, हाईएस्ट पॉइंट आपका यही रहेगा और जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका यह रहेगा। और यहाँ अगर ये कैंडलस्टिक का कलर रेड है तो इसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो ये हो जाएगी और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये है। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है आप देख सकते हैं ये थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मार्केट अभी भी चल रहा है तो क्लोजिंग प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो क्या थी, 407 रुपये 15 पैसे, और जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट था वो कितना था, 407 रुपये 40 पैसे, और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 395 रुपये, और जो क्लोजिंग प्राइस है अभी आप देख सकते हैं अभी के मार्केट के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो 404 रुपये 65 पैसे है। पर अभी ये जो लाइव मार्केट है तो इसकी क्लोजिंग प्राइस है अभी डिसाइडेड नहीं है। अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस यहीं क्लोज हो जाती है तो यह कुछ इस प्रकार की कैंडलस्टिक दिखेगी। कैंडलस्टिक आपको इजीली यही बताएगी, जैसे अभी हमने टाइम फ्रेम में 1 डे का सिलेक्ट कर रखा है तो ये जो कैंडलस्टिक है आपको 1 डे का प्राइस का मोमेंटम है वो बताएगी। वैसे ही अगर आप इसे 5 मिनट पर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये 5 मिनट में स्टॉक कितना अप हुआ, कितना डाउन हुआ, कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, क्या हाई था, क्या लो था, जितनी भी डिटेल है कैंडलस्टिक आपको इजी फॉर्मेट में बता देगी। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।